अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वन स्टेप टू सक्सेस। सो आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर वन इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के एक टॉपिक को कवर करेंगे जो कि है कैरियर्स इन बायोलॉजी। द कैरियर ऑफ स्टूडेंट इज ऑब्जेक्ट टू ऑब्टेन अ डिग्री। द स्टूडेंट्स हु हैव चूजन द बायोलॉजी दे कैन प्लान टू अडॉप्ट सम एज अ कैरियर इन फॉलोइंग फील्ड्स। तो जो स्टूडेंट होगा जिसने बायोलॉजी चूज़ करी है तो वो आगे डिग्री हासिल करने के लिए और अपनी फील्ड चूज़ करने के लिए इन तमाम कैरियर्स में से कुछ भी चूज़ कर सकता है फ्यूचर के लिए। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन डील्स विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ एंड सर्जरी डील्स विद रिपेयर, रिप्लेसमेंट और रिमूवल ऑफ द अफेक्टेड ऑर्गन। सो इस फील्ड को आप डॉक्टरी का फील्ड भी कह सकते हैं क्योंकि मेडिसिन का काम और सर्जरी का काम ये डॉक्टर की फील्ड में ही होता है। तो मेडिसिन डील्स विथ जो भी ट्रीटमेंट होता है डिजीज़ का उसमें वो आ जाते हैं मेडिसिन में, और सर्जरी में जो भी अफेक्ट ऑर्गन होता है ख़राब हो गया होता है, कोई इसमें परेशानी पेश आ जाती है तो उसका रिपेयर, रिप्लेसमेंट और रिमूवल सर्जरी कहलाता है। सो एक बायो चूज़ करने वाला स्टूडेंट मेडिसिन एंड सर्जरी की फील्ड में भी जा सकता है। सेकेंड है एग्रीकल्चर। दिस डील्स विद प्रोडक्शन ऑफ वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स ETC। पाकिस्तान बींग एन एग्रीकल्चरल कंट्री इट कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इसके अंदर एग्रीकल्चर के अंदर न्यू वेराइटीज़ की प्रोडक्शन करते हैं क्रॉप्स की, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की एंड डेयरी प्रोडक्ट्स की, और इस ये एक अहम किरदार अदा करती है पाकिस्तान में क्योंकि पाकिस्तान ख़ुद भी एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। नेक्स्ट हमारे पास हॉर्टिकल्चर। दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इन विच वर्क इज़ कैरिड आउट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। सो ये एक ब्रांच ही है एग्रीकल्चर की जिसके अंदर जो बायोलॉजिस्ट होता है वो न्यू वेराइटीज़ के प्लांट्स और उनके प्रोडक्ट्स बनाता है। उसके बाद हमारे पास फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट आर द सोर्स ऑफ बायोडिवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ मेनी काइंड्स विच लिव देयर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉरेस्ट एज वेल एज प्रिजर्वेशन ऑफ एक्सिस्टिंग वंस। तो जो स्टूडेंट ये वाला कैरियर चूज़ करता है तो वो जो भी उस इलाके में जितने भी फॉरेस्ट हैं और उसके अंदर रहने वाले जितने भी स्पीशीज़ हैं, स्पीशीज़ मतलब एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, तो उन सब की जो केयर की जाती है वो तमाम होता है फॉरेस्ट्री की फील्ड के अंदर। तो और न्यू डेवलपमेंट की जाती है फॉरेस्ट की एज वेल एज प्रिजर्वेशन ऑफ एग्जिस्टिंग वंस, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एनिमल्स और प्लांट्स को कुछ नुकसान ना पहुँचे। तो ये कहलाती है फॉरेस्ट्री की फील्ड जो कि एक बायो का स्टूडेंट चूज़ कर सकता है। नेक्स्ट आती है फार्मिंग। इन दिस प्रोफेशन द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फार्म्स टेक्स प्लेस सच एज फिश फार्म, कैटल फार्म, पोल्ट्री फार्म ETC। न्यू टेक्नोलॉजीज आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स एज सोर्स ऑफ मीट एंड मिल्क, लेदर, वूल ETC। तो इस प्रोफेशन के अंदर डेवलपमेंट करता है डिफरेंट काइंड ऑफ फार्म्स की, फार्म्स की जो के हैं फिश फार्म, कैटल फार्म यानी जिसमें भैंस, गाय, बकरियां ये होते हैं, और पोल्ट्री फार्म यानी मुर्गियों का। सो ऐसे फार्म्स की डेवलपमेंट करते हैं और जदीद दौर है तो जदीद तरीक़ों से, जदीद टेक्नोलॉजी से उनका यूज़ करके और प्रोडक्शन करते हैं एनिमल्स की, और एनिमल्स की प्रोडक्शन से हमारा ज़्यादा ज़रिया बनता है मीट का क्योंकि मीट निकलता है गाय भैंसों, और मिल्क का, लेदर, वूल, ये चारों चीज़ें इन तमाम फार्म से ही हमें मिलती हैं। नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री। दिस प्रोफेशन इज पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस। इट डील्स विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स विच आर बेनिफिकल फॉर मैन। सो ये वाला जो प्रोफेशन है ये भी एक एग्रीकल्चरल की ही ब्रांच कह लें या पार्ट है एग्रीकल्चर का ही। तो इस वाली एनिमल हस्बेंड्री के अंदर एनिमल्स की ब्रीडिंग एंड केयर करते हैं जो कि बेनिफिकल है यानी फ़ायदेमंद है मैन के लिए, इंसान के लिए। सेकंड लास्ट हमारे पास फिशरीज। दिस प्रोफेशन डील्स विद द इंक्रीज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। फिश इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। इस फील्ड के अंदर जो है इंक्रीज करते हैं पॉपुलेशन फिश की क्वांटिटी वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी, क्योंकि उनकी क्वांटिटी भी अच्छी होनी चाहिए, मिकदार और क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, और फिश एक बेहतरीन ज़रिया है प्रोटीन का,
अब लास्ट हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव प्रोफेशन। इट डील्स विद मैनिप्यूलिनेशन ऑफ जीन टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल केमिकल प्रोडक्ट्स सच एज इंसुलिन, ग्रोथ हॉर्मोन्स, इंटरफेरन ETC फ्रॉम बैक्टीरिया एज वेल एज अदर्स। तो ये प्रोफेशन बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव है क्योंकि डील्स करता है जीन्स के अंदर जो भी चेंजेस आती हैं और उनमें जीन्स के अंदर मैनिपुलेशन करके यानी चेंजेस करके न्यू केमिकल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन्स, इंटरफेरॉन ETC। इंसुलिन यानी अगर किसी कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको डायबिटीज़ होता है तो उनके अंदर उनकी बॉडी इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, तो उनके अंदर इंसुलिन के इंजेक्शंस उनको दिए जाते हैं। तो वो जो इंसुलिन होता है वो जीन्स के अंदर चेंजेस कर ही बना होता है बायोटेक्नोलॉजी के जरिए, और हॉर्मोन्स की ग्रोथ और इंटरफेरॉन ETC। तो ये तमाम जो चीज़ें होती हैं जीन्स के अंदर चेंजेस करके मैनिपुलेशन करके जीन्स की, तो ये कैरियर कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी। और ये एक ब्रांच भी थी जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी है। सो ये था आज का लेक्चर जो कि बहुत छोटा सा था जिसको हमने कवर किया। होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर हेल्पफुल रहा तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह डेली हमारी वीडियोस आती हैं। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।